रामपुर नाम के गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उस गांव में रमेश सबसे बड़ा शराबी था। नशे की हालत में वो हमेशा अनामिका को परेशान करता था। शारदा ने कई दफे उसे धमकी दी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन रमेश नशे की हालत में अपनी पत्नी अनामिका को भला बुरा कहने लगा। ए, तुम अपने पति का सम्मान नहीं करती हो, और तुम चिकन क्यों नहीं बनाए आज? आहा, मेरे बेचारे पति शराब पी के आएंगे, उनके लिए कम से कम एक ऑमलेट बना देते हैं, इतना संस्कार भी नहीं है। हे, क्या बात कर रहे हो, बहू को परेशान मत करो। माँ, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा दारू पी के आता हूँ, तुम्हें मुझे बच्चे की तरह प्यार करना चाहिए। घर आने के बाद थोड़ा पानी देना चाहिए, वो सब नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें क्या करूँ, तुम दारू पी के घर आओगे, मैं तुम्हारी आरती उतारू, भजन गाऊ। अरे जाओ जाओ, ये सब बात कह के परेशान मत करो। तुमसे कौन बात कर रहा, मैं तो अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। अनामिका, कब से मैं बोले जा रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपने पत्नी को धपाधप बस थप्पड़ लगाना शुरू कर देता है। रमेश अनामिका को जब पीट रहा था, शारदा बस देखते ही रह गई। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन फिर रमेश नशे की हालत में घर आता है। वो आके अनामिका को पीटने की कोशिश करता है, पर अब अनामिका चुप नहीं रहती। इस तरह तुम्हारे हाथों से मार खाने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हर दिन तुम पी कर आते हो और नशे की हालत में मुझे मारते हो। बेहतर है कि एक ही बार मेरा गला दबा के मार दो। बेटा अनामिका, कैसी बातें कर रही हो? हाँ सासू माँ, ये सब हो रहा है ये देख कर भी आप चुप खड़ी है, वो तो नहीं बदलने वाले। इससे बेहतर है कि मैं ही अपनी जान दे दूं। दर्द के मारे ऐसी बातें कहकर अनामिका आत्महत्या करने की कोशिश करती है। एक रस्सी का वो इंतजाम करती है। शारदा बार बार मना करने के बावजूद वो नहीं सुनती। तब तक रमेश का नशा उतर जाता है। उसकी पत्नी आत्महत्या कर रही है ये देखकर वो सहन नहीं कर पाता। वो जाके रोकता है और अनामिका को रस्सी से बाहर निकालता है। मुझे आपने क्यों रोका, मुझे मरना है, फिर आप दारू पी के मुझे मारना चाहते हो ना? ऐसा मत बोलो अनामिका, मैं नशे में तुम्हें बहुत परेशान किया, अब मुझे होश आ गया है, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। शराब पीना आज से मैं छोड़ दूंगा, माँ और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगा, विश्वास करो अनामिका। बेटा अनामिका, तुम्हारा पति कह रहा है वह जरूर बदल जाएगा, तुम चिंता मत करो, खुशी से अब जियो बेटा। नहीं सासू माँ, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने इसे पहले भी कई बार कहा कि वो बदल गए हैं, पर नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदले, मुझे सब पता है। एक बार मुझ पर विश्वास करो अनामिका, कम से कम साबित करने का मौका दो। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका खुश हो जाती है। आपको कुछ काम करना चाहिए, मुझे विश्वास है कि आप धीरे धीरे जरूर बदल जाएंगे। ठीक है अनामिका, कल से ही मैं किसी काम में व्यस्त हो जाता हूँ। दूसरे ही दिन रमेश मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। पहले दिन उसने कुछ मछलियाँ बेची और फिर कुछ को घर ले आया। अनामिका ये देखकर बहुत खुश होती है। देखा अनामिका, तुम्हारी वजह से मैं अब मछुआरा बन गया। देखो हमारे लिए मैं कुछ मछलियाँ लाया हूँ, अगर तुम अच्छे से मछली करी बनाओगी तो हम खा सकते हैं। ठीक है जी। ये कहकर अनामिका रसोई में गई और मछली करी बनाई। तीनों एक साथ खाना खाते हैं। शारदा अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश होती है। देखो अनामिका, अब तुम खुश हो ना, इसके अंदर बदलाव आ गया है, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। ये परिवार जब बहुत ही खुश था, तभी एक छोटी सी परेशानी शुरू हो जाती है। रमेश के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रमेश का दर्द देखकर शारदा और अनामिका दोनों बहुत चिंतित हो जाती हैं। वो जल्दी रमेश को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब रमेश की जांच करते हैं। इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, उसका ऑपरेशन करना होगा, इसके लिए 25,000 लगेंगे, जल्दी से यह ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान का खतरा बन सकता है। डॉक्टर साहब की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए। वो रोते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं। उनके लिए परिस्थिति बहुत ही मुश्किल थी। तभी अनामिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद अपने पति का काम करके पैसा कमाने का सोचती है।
और इस काम में वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करती है। सासुमा आप मेरे साथ आइए, हम दोनों को एक काम करना है। क्या है बेटा, क्या करना होगा हमें? बात मत कीजिए, बस आइए सासुमा। वहाँ से अनामिका एक प्लास्टिक की बोतल की दुकान पर गई और वहाँ से वो ढेर सारी प्लास्टिक की बोतल ले आई। वहाँ से सीधा वो नदी में चली गई। उन प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके वो नदी में मछलियाँ पकड़ने लगी। उसकी हरकतों को देखकर सभी लोग हंसने लगे। शारदा भी सोचने लगी कि उसकी बहू ऐसा पागलों जैसा काम क्यों कर रही है। ये क्या बेटा, प्लास्टिक के बोतल से कोई मछलियाँ पकड़ता है क्या? बोतल से मछली पकड़ी जाएगी? उत्साहित होके कुछ मत करो, देखो आसपास के लोग हंस रहे हैं देखकर। नहीं सासुमा, आप बस देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अनामिका उन प्लास्टिक के बोतल के इस्तेमाल से मछलियाँ पकड़ने लगती है। मछलियाँ खुद आके उस प्लास्टिक के बोतल के अंदर फंस रही थी। ये देखकर शारदा अनामिका बहुत खुश होती है। कुछ ही समय के अंदर वो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेती है। उस दिन करीबन उन दोनों ने मिलकर 10 किलो मछलियाँ पकड़ी, फिर जाके बाजार में उन्हें बेच दिया। सास बहू की कड़ी मेहनत देखकर वहाँ के एक मालिक ने कहा कि हर दिन उन्हें इतनी मछलियाँ लगेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ पैसे एडवांस में भी दिया। मालिक से अनामिका ने कहा कि उसे 25,000 रुपए चाहिए। मालिक ने उसे वो पैसे दे दिए। अनामिका उस पैसे से अपनी पति की जान बचा ली। अंत में तुमने अपने पति को बचा ही लिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को इस तरह देखकर। मैं भी बहुत खुश हूँ सासुमा। उस दिन के बाद से रमेश और अनामिका हमेशा मछलियाँ पकड़ते थे प्लास्टिक के बोतल से, और इस तरह अपने बेटे और बहू को खुश देखकर शारदा भी बहुत खुश होती है। एक गांव में रमेश नाम का एक इंसान रहता था। वो एक साधारण किसान था। रमेश की एक पत्नी और दो बच्चे थे। रमेश की पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब से रमेश खुद ही संध्या और सागर का ख्याल रखने लगता है। रमेश की माँ शारदा बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और प्यार भी करती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश तुम्हें इस तरह अकेला देखना अच्छा नहीं लगता। अपनी पत्नी के बारे में सोच के तुम कितने विचलित हो जाते हो। बच्चे बस तुम्हें देखते हैं पर उन्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता। दिन ब दिन तुम उनसे दूर जा रहे हो। माँ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता हूँ, और मेरी पत्नी की बात जहाँ तक है मैं उसे भूल नहीं सकता। मुझे परेशान मत करो। उम्र हो रही है मेरी, कल अगर मर गई तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा बोलो। इसीलिए तुम्हारी दूसरी शादी होनी जरूरी है। बेटा शांति से सोच के देखो, खुद के लिए ना सही कम से कम बच्चों के लिए शादी कर लो बेटा। मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा माँ, मैं दो बच्चे का बाप जो हूँ। जिससे मेरी शादी होगी वो सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं बल्कि बच्चों की अच्छी माँ होनी चाहिए। ऐसी लड़की ढूंढेंगे, शादी करोगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। सोच के देखो बेटा, शादी के लिए हाँ कह दो। ठीक है माँ, मैं शादी करूँगा पर बच्चों को माँ के प्यार की कोई कमी ना हो बस। अगर वो महिला बच्चों का ख्याल रखती है तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। इतनी कह दी, यही काफी है। रमेश की ऐसी बातें सुनके शारदा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जल्दी से पंडित के पास जाके रमेश के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहती है। पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता ले आए। रमेश की शादी अनामिका नाम की एक लड़की से हो गई। अनामिका बच्चों से बहुत नफरत करती थी, सिर्फ उसने जायदाद देखकर रमेश से शादी की थी। अनामिका ये दोनों बच्चे तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ, रमेश के ये दोनों जान है। संध्या और सागर, इन्हें आंखों से दूर जाते ही वो पागल जैसा हो जाता है। बिना परेशान किए इन्हें प्यार क्या करो। ठीक है सासुमा, ये तो मेरे ही संतान है, इन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बेटे की शादी होगी तो मन्नत रखी थी कि तिरुपति जाकर वेंकटेश्वर का पैर छुआऊंगी। मेरा सपना सच हो गया बेटा। ऐसी बातें हो ही रही थी तभी रमेश वहाँ आ जाता है। माँ यात्रा करने वाली हूँ, लो ये कुछ पैसे सावधानी पूर्वक रख लो। सब तैयारी हो गई है बेटा, बच्चों का ख्याल रखना, बहू को परेशान मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। शारदा तिरुमला के लिए रवाना हो गई। जैसे ही शारदा वहाँ से चली गई, रमेश अपने कृषि कार्य में व्यस्त हो गया। बच्चे और घर की देखभाल अनामिका ही करने लगी। जैसे कि पहले से ही उसे बच्चे पसंद नहीं थे, इसीलिए बच्चे उसके सामने घूमते थे तो वो बहुत चिढ़ जाती थी। संध्या
सागर तो अभी बच्चा है, इसीलिए मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करना होगा, तब सागर भी हंसेगा। बोलो मम्मी, मैं करूँगी। देखो वहाँ बर्तन रखे हुए, आपको उन सभी को धोना है, फिर देखना सागर भी ये देखकर कैसे खिल खिल करके हंसता है। ठीक है माँ, कर देती हूँ। धीरे धीरे अनामिका उस बच्ची संध्या से बर्तन साफ कराने का काम कराने लगती है, फिर उसे घर साफ करने के लिए कहती है। काफी देर तक काम करने के बाद संध्या के पैरों में दर्द होने लगता है। माँ अब मैं नहीं कर सकती, मैं काम नहीं करूँगी, अब मैं भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। माँ मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, अगर तुम मुझे ना कहोगी तो देखो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करती हूँ। अनामिका ने सागर को मारा, सागर रो पड़ा। ये देखकर संध्या बहुत ज्यादा डर जाती है। अगर चाहती हो कि भाई को ना पीटू तो फिर मेरी बात सुन लो, नहीं तो जाओ अंदर आराम करो, अनामिका इस तरह गुस्से से कहती है। संध्या अपने भाई को बचाने के लिए घर साफ कर देती है। सागर लगातार रो रहा था। ये देखने के बाद भी अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में व्यस्त रहती है। धीरे धीरे सागर की रोने की तीव्रता बढ़ती ही गई। फिर वो जाके एक प्लास्टर ले आती है और उस प्लास्टर से सागर के मुंह को चिपका देती है। सागर की रोने की आवाज बंद हो गई। फिर आराम से अनामिका खुशी खुशी स्नैक्स खाने लगी। रात निकल गई। रमेश लौट आता है, बच्चे थक गए थे इसीलिए वो सो गए थे। बच्चों ने रात को कुछ खाया भी नहीं था। अनामिका बच्चों को खाना खिलाया, तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? बच्चे खाना खाकर सो गए, आपका इंतजार कर रही थी, आप आएंगे तो खाना परोसूंगी। इस तरह अनामिका अपने पति को खाना परोस के फिर वो सोने चली जाती है। अब तक बच्चे बिस्तर में सो रहे थे, उन्हें एक लात मार के अनामिका नीचे गिरा देती है और खुद कंबल ओढ़ के सो जाती है। बच्चे ठंड से ठिठुरने लगे। संध्या ठंड से अपने भाई को गले लगा ली और फिर किसी तरह वो रात उन्होंने काटा। अगले दिन हमेशा की तरह सुबह सुबह रमेश काम पे चला गया। अनामिका आज रात मैं घर नहीं लौट पाऊंगा, रात में खेत की चौकीदारी करनी है, सुबह आऊंगा, बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा जी। ऐसा कहकर रमेश खेत चला गया। रास्ते में उसे शारदा दिखी। शारदा बड़े ही गुस्से में थी। माँ क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, अनामिका तुम्हारी जायदाद देके तुमसे शादी की है, उस पे भरोसा करके बच्चों को उसके हाथ छोड़ा है, चलो जल्दी घर चलो। माँ ये सब बात तुमसे किसने कही? जिस बस से तिरुमला जा रही थी उसी बस में वो पुजारी भी आके बैठा, उसके हाथ में जेवर ढेर सारे पैसे थे, हमारा घर का चेन भी उसके पास था, मुझे शक हुआ तो मैंने पूछा, वो सब सच कह दिया, तुमसे शादी कराने पे अनामिका उसे उपहार देगी, ऐसा शायद उसने वादा किया था, बेचारे बच्चे पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, चलो जल्दी। शारदा रमेश जल्दी जल्दी घर पहुँचते है। रमेश खिड़की से झांकता है और घर के अंदर सब कुछ देख लेता है। बच्चे रो रहे थे। संध्या घर की सफाई कर रही थी, सागर का मुंह प्लास्टर से चिपका हुआ था। बच्चों को ऐसा देखकर रमेश डर जाता है। शारदा रमेश घर के अंदर जाते हैं और फिर अनामिका के पास जाके उसके गालों में दो कस के थप्पड़ लगाते हैं। रमेश अनामिका को घर से बाहर निकाल देना चाहता था लेकिन शारदा रोक देती है। देखो बेटा तुम भी एक बच्चे की माँ हो, तुम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें संपत्ति चाहिए तो हम तुम्हारे नाम पूरे संपत्ति लिख देंगे, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय मत करो बेटा। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अब से मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर रमेश ने माफ नहीं किया, शारदा ने माफ कर दिया। तब से अनामिका भी बच्चों को अपने पलकों में बिठाए रखती थी और उसी घर में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद रमेश अनामिका में बदलाव देखकर बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।